राम जी की नगरी अयोध्या में और अयोध्या जन्मभूमि का ये नजारा है। लिफ्ट से ही चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर से इनकी लिफ्ट सुविधा है, आप देख सकते हैं। काफी स्पेशियस रूम है, डबल बेड का एक बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड का बेड आप देख सकते हैं, और इधर एक एरिया है, आप आराम से बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, सोफा सेट है, इधर विंडो व्यू है। अयोध्या सर पहला होटल है जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा है। अच्छा, अयोध्या का ये पहला होटल बता रहे हैं, ये राम मंदिर के पास है जहाँ लिफ्ट की सुविधा है। हम लोग जो है 24 आवर पावर बैकअप देते हैं, पावर एसी के साथ। एसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं और रूम की तरफ आए, डिलक्स रूम है, प्रॉपर स्पेस है और डबल बेड का एक बेड लगा हुआ है। इससे पहले ट्रिपल बेड का मैंने आपको दिखाया हो कि अगर मेरे चैनल का नाम बताकर आते हैं बनारसिया रचित व्लॉग्स तो क्या कुछ डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल, अगर आपके चैनल पर कोई भी आता है तो हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे। 10% डिस्काउंट, ये जनरल मैनेजर है तो बात से मुकरेंगे नहीं, अकाउंट दिया जाएगा। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने किसी भी तरीके से इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, सिर्फ सिर्फ एक हेल्पफुल कॉन्टेंट जैसा कि मैं बनाता रहता हूँ। राम जी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। शिव जी की नगरी काशी से तमाम तरीके की वीडियो बनाने के बाद अभी मैं आया हूँ राम जी की नगरी अयोध्या में और अयोध्या जन्मभूमि का ये नजारा है। ये पूरा अयोध्या जो पूरा रामपाथ है ये पूरा बनकर तैयार है, पूरा ये जा रहा है अंदर दर्शन को। लगभग आपको 3-2 मिनट आगे जाना होगा तब जाके मुख्य मंदिर आएगा। और जैसे बनारस में काशी में स्टे करने के लिए आपको व्यवस्था बताई, लो क्लास के भी, मिड क्लास के भी, और अच्छे होटल्स भी दिखाए। इधर आप देख सकते हैं पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कीजिएगा। वैसे ही एक यहाँ पर अच्छे क्लास का, हाई क्लास का, प्रीमियम क्लास का एक होटल दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया तो अच्छे होटल बहुत कम मिले हैं। धर्मशाला है, लॉज है, गेस्ट हाउस है, लेकिन होटल बहुत कम है। पहले तो होटल ही कम है और अच्छे होटल भी तो और भी कम है, लेकिन अभी हम एक प्रीमियम क्लास की तरफ चल रहे हैं जहाँ पर लिफ्ट सुविधा भी है। अभी तक मैं मुझे किसी भी होटल में लिफ्ट सुविधा नहीं मिली है। यहाँ लिफ्ट सुविधा भी मिलती है और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिसके थ्रू एसी हमेशा ऑन रहती है, एसी बंद नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहीं से आपको दिखा दूं, ये पूरा प्रांगण है, यहाँ से आगे आने वाले समय में ये सिंह द्वार बनेगा, मुख्य द्वार, मेन द्वार यही बनेगा। और जो होटल है ये आप जो देख रहे हैं, ये बिरला धर्मशाला है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसके पीछे जो वो बिल्डिंग है वो आपको उंगली से दिखा रहा हूँ, RBS लिखा हुआ है, होटल RBS, वो एकलौता मुझे अभी तक दिखा है। इसका रास्ता आपको दिखा दूं तो पहले तो ये देख लीजिए पूरा प्रांगण है, और इस पर भी प्रॉपर डिटेल में आपको वीडियो मिलने वाली। ये काउंटर है, डोनेशन काउंटर है, VIP या पास काउंटर है, दर्शन का नहीं आरती का पास काउंटर है। इसमें लॉकर सुविधा भी है, ये लॉकर नंबर 1 है, इसके अंदर 2 है, आगे बढ़कर फिर 3 है, 3 लॉकर हैं, वो सब आपको डिटेल में वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ लिंक, उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ वो RBS होटल है, उसका रास्ता बस इसके जस्ट बगल से ये जो गली जा रही है, बस आप जाएंगे और एक टर्न लेंगे तो आप RBS होटल पे पहुंच जाएंगे। तो आइए इधर लिफ्ट से ही चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर से इनकी लिफ्ट सुविधा है, आप देख सकते हैं तो लिफ्ट है। टोटल कितने फ्लोर्स हैं? 4th फ्लोर। आपका क्या नाम है? विपिन। यहाँ पर आप किस पोस्ट पर हैं? हम जी हाँ, जनरल मैनेजर साहब की मुलाकात हो रही है। अब चलिए 4th फ्लोर पर चलते हैं। अभी लेफ्ट से हम लोग ऊपर की तरफ आए, 103 रूम नंबर है, आप देख सकते हैं इधर, और इधर काफी स्पेशियस रूम है, डबल बेड का एक बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड का बेड आप देख सकते हैं, और इधर एक एरिया है, आप आराम से बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, सोफा सेट है, इधर विंडो व्यू है, सामने बिरला धर्मशाला और उसी के सामने आपको राम मंदिर देखने को मिलता है, और इधर TV लगी हुई, इंटीरियर डिजाइन अच्छा है काफी इनका। ऐसे अच्छे होटल्स अयोध्या के राम मंदिर के पास बहुत कम ही मिल पाते हैं। 2 फैंस आपको सामने देखते हैं, AC आप देख सकते हैं सामने लगी हुई है ब्लू स्टार की, और इधर वुडन टच दिया गया, इधर अलमीरा, इधर अपना सामान वगैरह रखना चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं, लगेज वगैरह, ये डेस्क है, ये सब आप देख सकते हैं। और इधर वॉशरूम है, वॉशरूम भी देख लीजिए आप, वॉशरूम कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। एक वॉशरूम से उस होटल और उस रूम की असली जो पहचान है वो पता चल जाती है, कितना हाइजीन कितना अनहाइजीन है, आप मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। अभी यहाँ के जनरल मैनेजर जी को बुलाना चाहूंगा जी, क्या प्राइस होगा इस होटल का? सर इसका प्राइस है 3500 प्लस GST। 3500 प्लस GST, 12% जी सर।
जीएसटी बाहर कितने लोग स्टे कर सकते हैं यहाँ पर? सर 3%। 3% एक्स्ट्रा मैट्रिक्स की फैसिलिटी है क्या इधर? जी सर है, स्टेप मैट्रिक्स फैसिलिटी। क्या है उसका चार्ज? 750 प्लस जीएसटी। 750 प्लस जीएसटी। जी सर। कॉट लगता है या मैट्रिक्स लगता है? मैट्रिक्स लगता है सर। मैट्रिक्स लगता है 750 प्लस जीएसटी। और रूम का चार्ज आपने क्या बताया? 3500 प्लस जीएसटी। 3500 प्लस जीएसटी। तो अगर आप ऐसे अच्छे प्रीमियम क्लास के होटल में स्टे करना चाहते हैं तो इधर आप मूव ऑन कर सकते हैं, इधर आप आ सकते हैं। वैसे आप वीडियो के थ्रू मुझे देखकर बताएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और भी मैंने चीजें यहाँ पर कवर की हैं, और भी होटल्स कवर किए हैं, उनमें से ये सबसे अच्छा मुझे लग रहा है। अभी चीजें आप बताएंगे एक्चुअल रहकर कि आपको कैसा लगता है और क्या हॉस्पिटैलिटी मिलती है। सर यहाँ पर हम पूरी हाइजीनिक हमारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद में हमारा हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में जो आते हैं, एमिनिटीज पूरी है, आपको टॉयलेटरीज पूरा मिल जाएगा और टॉवल पूरी मिल जाएंगी, सब व्यवस्थित रहती है हमारे यहाँ। अच्छा। टे केटल आपको मिल जाएगा। अच्छा। आर वाटर है। अच्छा। रूम सर्विस में क्या फूडिंग में सर्विस भी मिल जाती है? हाँ, फूड सर्विस पूरा है। सर्विस मिल जाएगा। इन हाउस रेस्टोरेंट है। इन हाउस रेस्टोरेंट भी है। और वो जो फूड सर्विस मिलेगी क्या उसका कोई सर्विस चार्ज है? नो, कोई सर्विस चार्ज नहीं। वो रेस्टोरेंट बेसिस पर है। जी, जो रेस्टोरेंट में इनका चार्ज है वो आपको फूडिंग मैनेजमेंट का चार्ज, फूडिंग यहाँ पर वही चार्ज मिलता है। तो फूडिंग मैनेजमेंट भी आपको मिल जाती है। ऐसे अयोध्या में अभी तक बहुत कम ही होटल्स मुझे देखने को मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूम की तरफ चलने से पहले एक होगा कि वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीजन बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने डिसलाइक क्यों किया। और शेयर कीजिएगा जो भी लोग अयोध्या दर्शन को आ रहे हो। अयोध्या सर पहला होटल है जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा है। अच्छा, अयोध्या का ये पहला होटल बता रहे हैं के पास है जहाँ लिफ्ट की सुविधा है। लिफ्ट की सुविधा वाला ये पहला होटल है। वैसे ये बात तो मैंने भी अभी तक देखी नहीं थी। वैसे इनके मुंह से सुन के, हम लोग जो है 24 आवर पावर बैकअप देते हैं, पावर बैकअप एसी के साथ। एसी के साथ अदर होटलों में है कि वहाँ पर साफ लिखा गया काउंटर पर जी कि हमारे यहाँ जो है लाइट रहने पर ही एसी चलेगी। लाइट इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर एसी सुविधा नहीं मिलती है। और होटलों में इनका ये कहना है कि ये इनके यहाँ हमेशा 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे यहाँ पर एसी सुविधा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट रूम की तरफ। तो अभी एक और रूम की तरफ आए, डिलक्स रूम है 202 रूम नंबर है। आप देख सकते हैं ये भी प्रॉपर स्पेस है और डबल बेड का एक बेड लगा हुआ है। इससे पहले ट्रिपल बेड का मैंने आपको दिखाया, वैसे ही सब कुछ है, एरिया भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। और आप ये देख सकते हैं टीवी वगैरह लगा है, एसी लगाई है, फैन लगाई है। और इधर एक व्यू आपको देखने को मिलेगा, अभी भी मिल रहा है, आगे आने वाले समय में एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। ये इधर आपको रामलला के दर्शन होने को आएंगे। ये बिरला धर्मशाला है, इसके जस्ट उस अपोजिट पटरी पर, और आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा ये कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है यही बस रामलला के दर्शन का है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हनुमानगढ़ी है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दशरथ महल है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कनक भवन है। यहाँ से आप हनुमानगढ़ी का फोटो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हनुमानगढ़ी का भी आप देख सकते हैं दृश्य, आपको दिख रहा होगा लाल रंग का शिखर है हनुमान जी का। जी, ये लाल रंग का शिखर जो है यही शिखर है हनुमानगढ़ी का। तो आप जिस लोकेशन पर है वो आपको क्लियर कर दिया आपको रूम से ही। जानना चाहेंगे कि क्या प्राइस होगा इस रूम का? सर इस रूम का ये डीलक्स रूम है, इसका प्राइस हमने 2500 प्लस जीएसटी किया है। 2500 प्लस जीएसटी? जी सर। दो लोगों के लिए? हाँ, टू ऑक्यूपेंसी वाले हैं। हाँ, डबल ऑक्यूपेंसी के लिए। डबल ऑक्यूपेंसी पर आपको देख सकते, एक्स्ट्रा मैट्रेस इसमें भी बिछ सकती है? हाँ, लग सकता है। उसका क्या चार्ज है? इसका है 600 प्लस जीएसटी। 600 प्लस जीएसटी। एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा के तीन लोग स्टे कर सकते हैं। 600 प्लस जीएसटी। इसका भी वॉशरूम आप देख लीजिए कैसा लग रहा है वॉशरूम आपको। और फिर वही चीज है कि वॉशरूम दिखाने की चीज तो नहीं होती है, लेकिन वॉशरूम से ही आपको होटल की खूबसूरती का असली अंदाजा पता चलता है। शावर वगैरह है ही, और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। इधर आप अलमीरा है, अपना सामान वगैरह कबर्ड है, अपना सामान वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। इधर मिरर है और छोटा डेस्क है। तो कैसा लगा आप इसके विषय में भी बताइएगा। और एक जानकारी और ये भी मिली है कि अगर मेरे चैनल का नाम बताकर आते हैं बनारसी रचित व्लॉग्स तो क्या कुछ डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल सर, आपके चैनल पर कोई भी आता है तो हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे। 10% डिस्काउंट। ये जनरल मैनेजर है तो बात से मुकरेंगे नहीं, आपको डिस्काउंट बिल्कुल जरूर सबको डिस्काउंट दिया जाएगा जो भी आपके चैनल के द्वारा आएगा। जी हाँ, तो मेरे चैनल का नाम बताना मस्ट है। और इस होटल की वीडियो को लाइक करके आना, आपको ये चेक करेंगे तभी आपको डिस्काउंट देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये तीनों चीज, सब्सक्राइब, लाइक, और आपको कमेंट करके आना है। जय श्री राम भले ही लिख दीजिएगा कमेंट में, आइएगा लेकिन लिख कर, और ये डिस्काउंट आपको देंगे। अब चलिए नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट रूम। और सिक्योरिटी के लिए कैमरा भी आपको देखने को मिलता है इधर रूम से। इधर रूम नंबर 203 आप रूम नंबर देख सकते हैं। इधर भी आपको ट्रिपल बेडरूम दिखा रहा हूं, और इसमें भी यही खास बात है कि सामने ही आपको रामलला के दर्शन होने को आ रहा है, और हनुमान घड़ी भी आपको रूम से ही दिखता है, और काफी स्पेसियस है, और पूरी सनलाइट वगैरह आपको यहां पर मिलने को देखने को मिलने वाली है। एक डबल बेड का बेड ये लगा हुआ है, एक सिंगल बेड का बेड ये,
और वही सारी फैसिलिटी है जो कि आपको पहले मैंने बताई है, फैन वगैरह है, एसी वगैरह है। अभी फिर से जनरल मैनेजर जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा और पूछूंगा, एक इंटरकॉम भी है, आप कुछ ऑर्डर करना चाहें तो आप यहीं से बेड पर बैठे बैठे फूडिंग सर्विस की ऑर्डर भी कर सकते हैं। उधर आप देख लीजिए रामलला के दर्शन को, जो भी काम अभी चल रहा है, अभी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर इसका एक अलग ही लुक आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल मैं आपको कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन काम दिखा रहा हूँ। इधर हनुमानगढ़ी है, तो अभी इस रूम का क्या प्राइस होगा? सर सेम प्राइस है, ट्रिपल बेड 3500 प्लस जीएसटी। सेम प्राइस है ट्रिपल बेड, कितना आपने बताया? 3500 प्लस जीएसटी। 3500 प्लस जीएसटी, जीएसटी 12% जीएसटी है और फूडिंग सर्विस वो सब यहाँ पर मिल जाती है। एक चीज आपको ये भी दिखा दूं, ये इनका हमारा मेन्यू है। हाँ, ये मेन्यू चार्ट है इनका, आप थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए ताकि क्लियर दिखाई दे चीजें। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर मिलती हैं, चाइनीज वगैरह, सूप वगैरह, और ये पूरा है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये तो सही बात है कि इस तरह का अभी मुझे जल्दी होटल देखने को नहीं मिला है, यहाँ पर आपको फूडिंग सर्विस भी मिल रही है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और हाँ, जो भी प्रीमियम क्लास के लोग हों जो इस तरह के होटल्स पसंद करते हैं, आप बेशक यहाँ पर आ सकते हैं। एकलौता, इन्होंने बताया कि एकलौता लिफ्ट सुविधा देने वाला ऐसा होटल है और फूडिंग सर्विस यहाँ पर मिल रही है। इनका अपना रेस्टोरेंट एरिया भी है, तो वहां पर भी आप जाके बैठ के खा सकते हैं। हमारा दूसरा होटल बन रहा है, अच्छा, जो राम मंदिर के और नियर ही पड़ेगा। अच्छा, और हमारे पास डॉर्मेट्री की सुविधा जनवरी के लास्ट तक हो जाएगी। अच्छा, डॉर्मेट्री की सुविधा भी आगे आने वाले समय में होने वाली है। तो एक राउंड में फिर आऊंगा यहाँ पर, जब आपको रामलला के दर्शन होंगे तो फिर आऊंगा, और फिर अगर तब तक बन चुका होगा तो फिर से एक बार इनका दिखाकर आपको जाऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और भी रूम्स हैं जो अभी इंगेज है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा बढ़िया होटल है तो लोग जल्दी जल्दी बुक कर ले रहा है। अभी रिसेप्शन पे चलेंगे और जानकारी लेंगे कि कैसे बुकिंग होती है। और इधर इनका एक रेस्टोरेंट एरिया भी है, आई लव अयोध्या पढ़ सकते हैं। और इधर इनका रेस्टोरेंट एरिया भी आप देख सकते हैं, इधर काफी अच्छा स्पेसियस है, स्पेस है, और काफी लोग यहाँ पर आते हैं। और होटल के रूम्स तक तो आपको फैसिलिटी मिलती ही मिलती है फूडिंग की, आप इधर भी देख सकते हैं। इधर एक फैमिली बैठी हुई है, भोपाल से आई हुई फैमिली है, ये देख सकते हैं। तो आप भी आइए, स्टे कीजिए, और ये फूडिंग सर्विस जो रूम्स तक जाते हैं उसका आनंद मैं तो कहूँगा आप रेस्टोरेंट पर आके लीजिए। तो रूम्स अभी मैंने इनके सारे दिखा दिए जो भी अभी फ्री थे, बहुत सारे लग चुके हैं क्योंकि प्रीमियम क्लास का होटल है तो रूम्स भी जल्दी जल्दी बुकिंग हो जाते हैं। बुकिंग किस किस मीडियम से होती है? सर हमारे यहाँ दो पोर्टल हैं जिसमें बुकिंग होती है। एक हमारा इनको एमएमटी, जिसमें मेक माई ट्रिप और वो इनको एमएमटी का जो है टाइप है वो आईबीबो, हाँ उससे होता है। दूसरा booking.com, हाँ जिसके थ्रू अगोड़ा हो गया, ट्रिप एडवाइजर हो गया, ट्रैवलो हो गया, इसके द्वारा बुकिंग। तीसरा हमारा ग्रेवी स्टे, जो हावरली रूम्स के लिए अप्लाई किया गया है, ये सुविधाएं हैं। अच्छा, आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके, हम उसका रिसीव भी जनरेट कर देते हैं। अच्छा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे बैच कर रहा होगा उस पर कॉल करके डायरेक्ट आप बुक कर सकते हैं। और एक और फिर से जान लीजिए, ये कमिटमेंट इनके मुंह के थ्रू मैं सुनना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल का नाम बताकर आते हैं बनारसी रचित ब्लॉग्स, उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट, हाँ स्पेशल डिस्काउंट आपके चैनल के सब्सक्रिप्शन के थ्रू दिया जाएगा। ये चेहरे पढ़ लीजिए, यही चेहरों से मुलाकात होगी आपकी, आप डिस्काउंट जरूर लेके जाएगा मेरे चैनल का नाम, कोई मेरे काउंटर पर आपके चैनल के माध्यम से डिस्काउंट दिया जाएगा। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने किसी भी तरीके से इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, सिर्फ एक हेल्पफुल कंटेंट जैसा कि मैं बनाता रहता हूं। राम जन्मभूमि के पास एक अच्छा प्रीमियम क्लास का होटल है, मुझे पहली बार इसमें एक होटल में लिफ्ट देखने को मिला, और भी सुविधाएं इनके रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और राम जन्मभूमि यहाँ से कितनी दूर होगी लगभग टाइमिंग के हिसाब से, अगर मिनट में कहा जाए तो? सर वॉकिंग डिस्टेंस है राम जन्मभूमि, उसी के थोड़ा सा आगे हनुमानगढ़ी है जहाँ साक्षात हनुमान जी पाए जाते हैं, और उसके आगे थोड़ा सा दशरथ महल है जो कि दशरथ जी का महल रह चुका है, और उसके आगे थोड़ा सा कनक महल है जो कि सीता जी को कैकेयी जी द्वारा मुंह दिखाई रस्म में गिफ्ट उपहार स्वरूप मिला था। तो आप आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप आइए स्टे कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगता है। और फिर वही चीज है कि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में कुछ नहीं तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।